Good morning, students. You all are welcome in your new class, in class 3. Today I am here to start first chapter of your English textbook, and the title of the chapter is Cinderella. Before watching this video, I would like to suggest you to read this chapter line by line and make a list of hard words with their meaning in your notebook. Now we start the chapter. Before that, I want to make you clear the meaning of hard words. The first one is stepmother. Who is stepmother? The woman who has married your father when your parents are divorced or your mother is dead. उस औरत को हम स्टेप मदर कहते हैं जो माँ के मर जाने के बाद या डाइवोर्स हो जाने के बाद पिताजी से शादी होती है, उस औरत को हम लोग स्टेप मदर कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज जीलस. जीलस मीन्स अनहैप्पी टू सी समवन्स सक्सेस, ब्यूटी एक्सेट्रा. किसी के सुंदरता, किसी के सफलता को देखकर जो मन में दुख होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीलस. द नेक्स्ट वर्ड इज साउट. साउट टू स्पीक लाउडली विथ एंगर. टू स्पीक लाउडली विथ एंगर, जब कोई किसी को जोर से डांटता है, इट मीन्स साउट, चिल्ला के जो कुछ बोलता है, दैट इज द साउट. रैग्ड क्लॉथ्स. रैग्ड क्लॉथ मीन्स ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स. रैग्ड क्लॉथ मीन्स ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स. एस. एस मीन्स द ग्रे और ब्लैक पाउडर विच इज लेफ्ट आफ्टर समथिंग हैज बर्न. कुछ भी चीज़ जलने के बाद जो ब्लैक और ब्राउन कलर, ग्रे कलर का जो डस्ट बचता है, पाउडर बचता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस. इन शॉर्ट, राख, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं. ओके. पैलेस बॉल. पैलेस बॉल मीन्स डांस पार्टी एट पैलेस. बॉल मीन्स होता है डांस पार्टी. बॉल मीन्स क्या होता है? डांस पार्टी. पैलेस बॉल मीन्स डांस पार्टी. स्कॉल्ड टू स्पीक एंग्रीली. जब हम किसी को डांटते हैं तो गुस्सा में जो बोलते हैं उसको हम स्कॉल्ड बोलते हैं. टू स्पीक एंग्रीली, स्कॉल्ड. द नेक्स्ट वन इज वांड. द नेक्स्ट वन इज वांड. वांड इज अ थीन स्टिक that people hold when they are doing magic tricks. जब कोई जादू करता है तो हाथ में जो छड़ी रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस छड़ी को हम लोग मैजिक वांड बोलते हैं. इन शॉर्ट, वांड बोलते हैं. नेक्स्ट एम्ब्रॉयडर्ड. नेक्स्ट इज एम्ब्रॉयडर्ड. एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स डिजाइनेटेड. एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स डिजाइनेटेड. एम्ब्रॉयडर्ड विथ गोल्ड एंड सिल्वर, सोना चांदी से डिजाइन किया हुआ. नेक्स्ट वर्ड इज एस्टोनिशमेंट. वेरी ग्रेट सरप्राइज. एस्टोनिशमेंट मीन्स वेरी ग्रेट सरप्राइज. किस. नेक्स्ट वन इज लैविश सेरेमनी. लैविश सेरेमनी, अ सेरेमनी और फंक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट. बहुत खर्च करके कोई फंक्शन या सेरेमनी जब सेलिब्रेट किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैविश सेरेमनी या लैविश फंक्शन. ओके. नाउ वी कम टू द स्टोरी. दिस स्टोरी बिलोंग्स टू अ पुअर गर्ल नेम्ड सिंड्रेला. एक लड़की होती है जिसका नाम क्या रहता है? सिंड्रेला. उसी के बारे में यह कहानी है. With the help of a gentle fairy and the sleeper, she becomes a beautiful princess. In this story, she becomes a princess. She becomes a princess with the help of a gentle fairy and a sleeper. See the story. Once there was a beautiful girl. Her mother had died. उसकी माँ मर चुकी होती है.
So her father had married again. Her stepmother had two daughters. क्या है कहानी? Once there was a beautiful girl. एक लड़की होती है, सुंदर लड़की होती है. Her mother had died. उसकी माँ मर चुकी होती है. So her father had married again. Her stepmother had two daughters. Okay, Cinderella. I am so beautiful. See the picture. Next, her stepmother and stepsisters. How many stepsisters does she have? She has two stepsisters. Her stepmother and stepsisters were very jealous of her beauty. उसकी सुंदरता को देख के उसकी जो स्टेप मदर है स्टेप सिस्टर से बहुत ही दुखी रहती थी, जिलस होती, मतलब जिलस थी वो. दे डिड नॉट लाइक हर एंड शाउटेड एट हर ऑल द टाइम. वो उनकी मदर, उनकी जो बहन, उसकी जो मदर, उसकी जो बहन थी स्टेप सिस्टर, वो उसको पसंद नहीं करते थे. हमेशा उसको किसी न किसी बात पे डांटते रहते थे, चिल्लाते रहते थे उस पर. जब कोई किसी पे चिल्लाता है तो जब कोई तुम पे चिल्लाता है तो कितना बुरा लगता है. इसी तरह व्हाट, जैसे सी इन द पिक्चर, व्हाट आर यू डूइंग इन ड्रेसिंग रूम. हर मदर, स्टेप मदर आस्क्स टू सिंड्रेला, व्हाट आर यू डूइंग इन ड्रेसिंग रूम. गो एंड क्लीन द फ्लोर. तुम ड्रेसिंग रूम में क्या कर रहे हो, जाओ और फ्लोर को साफ करो. सी वॉज मेड टू ऑल द वर्क. वो हमेशा काम करते रहती थी, सारा काम वही करती थी. दिस मेड सिंड्रेला वेरी सैड, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहती थी. टीयर्स रोल डाउन हर आइज, उसके आँख से आंसू गिरते रहता था. हर स्टेप मदर गेव हर लिटिल फूड टू ईट. उसकी माँ जो है उसको थोड़ा बहुत खाने के लिए देती थी. एंड ओल्ड रैग्ड क्लॉथ टू वियर, और ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ जो होता था वो उसको पहनने के लिए देती थी. टेक इट, सी इन द पिक्चर, टेक इट, यू डिजर्व इट. मतलब फटा पुराना कपड़ा दे रही है और कह रही है कि तुम्हारे लिए यही है, तुम्हारे लिए यही सही है. ओके, नेक्स्ट. एट नाइट आफ्टर फिनिशिंग ऑल हर वर्क, सी वॉज मेड टू स्लीप इन द वार्म सिंडर्स बाय द फायर प्लेस. इन द वार्म सिंडर्स बाय द फायर प्लेस. रात में जब वो सारा काम खत्म कर देती है, सारा काम कर चुकी होती है, तब उसको एक सोने के लिए एक फायर प्लेस, वैसा प्लेस जिसमें हमेशा, मतलब वैसे ये वहाँ पाया जाता है जहाँ पे ठंड ज़्यादा होता है. तो वहाँ घर में एक स्पेस होता है जहाँ पे हमेशा आग जलते रहती है, जिससे कि घर का टेम्परेचर बना रहे. तो फायर प्लेस के बगल में उसको सोने के लिए दिया जाता था. दिस कवर्ड हर इन एस एंड लेफ्ट हर डर्टी. आग जलने के बाद जो एस, एस मीन्स एज आई टोल्ड यू, एस मीन्स व्हाट, एस मीन्स इट इज़ अ ग्रे, और इट इज़ ग्रे और ब्लैक पाउडर, इट इज़ अ रेड और ब्लैक पाउडर विच इज लेफ्ट आफ्टर समथिंग हैज बर्न. जब कुछ जलने के बाद तो उसके जो डस्ट बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं. तो एस की वजह से उसका चेहरा और भी डर्टी हो जाता था. दैट्स वाई सी वॉज कॉल्ड सिंड्रेला. इसी तरह उसको सिंडर्स, वार्म सिंडर्स में सोने के लिए दिया जाता था, इसलिए उसको क्या क्या नाम पड़ गया उस लड़की का, सिंड्रेला. ओके, वन डे द फैमिली रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम द किंग टू अटेंड द पैलेस बॉल. पैलेस बॉल से डांस पार्टी अटेंड करने के लिए एक इन्विटेशन आया. द टू स्टेप सिस्टर्स एंड सिंड्रेला टू हेल्प देम गेट रेडी. द टू स्टेप सिस्टर्स कॉल्ड सिंड्रेला टू हेल्प देम गेट रेडी. उसकी जो दो बहनें थी स्टेप सिस्टर्स, वो सिंड्रेला को उसको रेडी करने के लिए बुलाई. फिनिश इट फास्ट सिंड्रेला एज वी आर गोइंग टू बॉल एट द किंग्स पैलेस. उसको बुला के कहते हैं कि मुझे जल्दी रेडी करो, मुझे
किंग्स पैलेस में डांस पार्टी में जाना है। सिंड्रेला वांटेड टू गो विद देम टू द बॉल, सिंड्रेला भी जाना चाहते थे, सिंड्रेला भी उस डांस पार्टी में जाना चाहते थे। सी बेग्ड हर स्टेप मदर टू लेट हर कम विद देम बट सी रिफ्यूज्ड, वो अपने माँ स्टेप मदर से रिक्वेस्ट की कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, बट सी रिफ्यूज, लेकिन वो उसकी स्टेप मदर मना कर दी, रिफ्यूज़ कर दी। द स्टेप मदर वॉज वेरी क्रूएल, बहुत क्रूएल थी उसकी स्टेप मदर। सी स्कॉल्डेड सिंड्रेला, वो सिंड्रेला को डांट दी, बोली यू कैन नॉट गो विथ अस एज यू हैव नो प्रॉपर क्लॉथ्स एंड यू कैन नॉट डांस, तुम नहीं जा सकती हो हम लोगों के साथ क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉपर ड्रेस नहीं है, तुम वहाँ डांस नहीं कर सकती। ओके, फिर भी वो कहती है आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट, आफ्टर द वोमेन एंड टू गर्ल्स हैड गोन, जब वो उसकी माँ और उसकी दो बहनें चली जाती है, देर वॉज अ सडन फ्लैश ऑफ लाइट, एकाएक लाइट अपियर होता है एंड अ ब्यूटीफुल फेरी अपियर्ड, उस लाइट के साथ एक बहुत ही सुंदर सी परी उपस्थित हो जाती है वहाँ पे। सी द फेरी टेल्स द डोंट क्राई सिंड्रेला, डोंट क्राई सिंड्रेला, सिंड्रेला को कहती है मत रो सिंड्रेला। द फेरी सेड सम मैजिक वर्ड्स, जो पड़ी थी वो कुछ मैजिक वर्ड्स बोली एंड मूव्ड हर वांड, वांड मीन्स द स्टिक इन हर हैंड, उसके हाथ में जो स्टिक था उसको वो घुमाई। देन व्हाट हैपेंड, अ पंपकिन इनटू अ कोच एंड फाइव लिटिल माइस इनटू फाइव स्ट्रॉन्ग हॉर्सेस, व्हाट हैपेंड, ए पंपकिन टर्न्ड इनटू अ कोच, पंपकिन क्या बन गया, कोच जिसमें सवारी बैठती, जिसमें पैसेंजर्स बैठता है। पंपकिन, पंपकिन क्या बदल गया, किस चीज़ में बदल गया, एक कोच में बदल गया। एंड फाइव लिटिल माइस, और पांच जो छोटा छोटा चूहिया थी वो क्या बन गया, फाइव स्ट्रॉन्ग हॉर्स, चूहिया हॉर्स बन गया और पंपकिन जो है वो क्या बन गया, कोच बन गया। सी ऑल्सो गेव सिंड्रेला अ लवली ड्रेस एम्ब्रॉयडर्ड विथ गोल्ड एंड सिल्वर, वो फेरी जो थी वो सिंड्रेला को एक बहुत ही सुंदर ड्रेस थी जो जिसमें सोना और चांदी से डिज़ाइन बना हुआ था। ओके, ड्रेस पहनने के बाद हुसेज फेरी सेज टू सिंड्रेला यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, नाउ सिंड्रेला सेज थैंक्स, जब कोई किसी की बड़ाई करता है या कि कुछ अच्छा बोलता है तो क्या रिप्लाई करना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए। ओके, नाउ फेरी सेज यू मस्ट कम बैक बिफोर मिडनाइट बिकॉज एट दैट आवर द स्पेल विल लूज इट्स इफेक्ट, तुमको मिडनाइट से पहले आ जाना चाहिए, तुमको मिडनाइट से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि तब तक जो ये मैजिक का जो पावर है, इसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, तब तक वो खत्म हो जाएगा पावर मैजिक का। At the palace, everyone was admiring Cinderella and her beautiful dress. वहाँ पे डांस पार्टी में जो कुछ जो कोई भी था सब सिंड्रेला के ड्रेस की प्रशंसा करता था, उसकी सुंदरता का प्रशंसा करता था। ओके, सिंड्रेला, द प्रिंस केम टू हर एंड ही रिक्वेस्टेड हर, प्रिंस जो है उसके पास आया, किसके पास, सिंड्रेला के पास, और उससे रिक्वेस्ट किया मे आई डांस विथ यू ब्यूटीफुल लेडी, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। बोथ डांस्ड, दोनों सिंड्रेला एंड प्रिंस बोथ डांस्ड, सिंड्रेला वॉज वेरी हैप्पी, सिंड्रेला बहुत खुश थी। सी डांस टिल इट वॉज मिड नाइट, वो कब तक डांस की, मिड नाइट तक। वेन सी हर्ड द क्लॉक स्ट्राइक 12, जब सुनी कि ये जो घड़ी जो है, क्लॉक जो है, 12 टाइम स्ट्राइक मीन्स 12 ओ क्लॉक। ओके, सी रैन फ्रॉम द पैलेस, सी रैन फ्रॉम द पैलेस, वो पैलेस से भाग के निकल गई, ड्रॉपिंग वन ऑफ हर स्लीपर्स ऑन द स्टेयर्स, ड्रॉपिंग वन ऑफ हर स्लीपर्स ऑन द स्टेयर्स, स्लीपर्स उसके पैर से एक स्लीपर, एक जूती जो है वो वहीं स्टेयर्स पे गिर गया, वहीं छोड़। सिंड्रेला हरीड होम, वो बहुत तेजी से घर आई, टुक ऑफ हर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स एंड पुट ऑन हर ओल्ड ड्रेस, जो ब्यूटीफुल ड्रेस था उसको चेंज करके ओल्ड ड्रेस पहन ली। इन द मॉर्निंग, द स्टेप मदर
एंड टू गर्ल्स रिटर्न बैक फ्रॉम द पैलेस. सुबह में वो जो उसकी स्टेप मदर थी, उसकी दो स्टेप सिस्टर्स थी, वो दोनों वापस आई एंड टोल्ड सिंड्रेला, और सिंड्रेला को बताई. सी वॉज वेरी ब्यूटी, टोल्ड सिंड्रेला अबाउट द ब्यूटीफुल गर्ल एट द पार्टी. पार्टी में जो एक ब्यूटीफुल गर्ल थी उसके बारे में वो सिंड्रेला से बताई. दे टोल्ड सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर थी. एंड द प्रिंस डांस्ड विथ हर, और प्रिंस जो है वो उसके साथ डांस भी किया. एट द पैलेस द प्रिंस पिक्ड अप सिंड्रेला स्लीपर. जब सिंड्रेला भाग रही थी अपने घर के लिए मिडनाइट के बाद, तो वहाँ पे उसका क्या छूट गया था, क्या गिर गया था, वन स्लीपर. उस स्लीपर को प्रिंस ने क्या किया, उठा लिया. आई और से टू हिमसेल्फ, आई विल मैरी द गर्ल हुज स्लीपर आई हैव फाउंड हेयर. मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिसका स्लीपर मैंने यहाँ पाया. ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू फाइंड आउट द गर्ल हुज फुट वुड फिट द स्लीपर. उसने अपने सैनिक को ऑर्डर दिया कि उस गर्ल्स को, उस लड़की का पता लगाओ जिसके पैर में ये स्लीपर फिट बैठता है. सर्चिंग फॉर द गर्ल द सोल्जर्स रीच्ड सिंड्रेलाज होम. खोजते खोजते वो सिंड्रेला के घर उसका सोल्जर्स पहुँच गया. ट्राई दिस स्लीपर यंग गर्ल्स. सिंड्रेलाज स्टेप सिस्टर्स ट्राइड टू पुट ऑन द लिटिल स्लीपर बट इट डिड नॉट फिट देम. उसकी जो सिंड्रेला की जो स्टेप सिस्टर्स थी दो, वो दोनों ट्राई की बट उसके पैर में स्लीपर नहीं आया. देन इट वॉज सिंड्रेलाज टर्न. नाउ अब सिंड्रेला को चेक करना था कि वो स्लीपर उसके पैर में बैठता है या नहीं. नाउ यू ट्राई यंग लेडी, वेरी गुड. वाई सोल्जर सेड, सोल्जर सेड वेरी गुड बिकॉज स्लीपर्स फिट इन हर फिट. द स्टेप मदर एंड हर डॉटर्स लुक्ड एट सिंड्रेला इन एस्टोनिशमेंट एंड एंगर. इन एस्टोनिशमेंट एंड एंगर व्हेन दे सॉ दैट द स्लीपर्स फिट इन सिंड्रेलाज फिट, दे बिकम एस्टोनिशमेंट, दे बिकम astonishment, very surprised and anger. Next day the prince came to her home. Next day the prince came to her home. What happens when slippers fitted in Cinderella's feet, then prince came to her home. The prince swept Cinderella into the royal coach. वो अपने जिस royal coach में prince आया था उसी कोच में सिंड्रेला को, मतलब अपने रॉयल कोच में उसको ले गया. गेजिंग लविंगली इनटू हर आइज ऑल द टाइम, उसको हमेशा मतलब प्यार से देखते रहता था. सून द प्रिंस एंड सिंड्रेला वर मैरिड इन अ लैविश सेरेमनी. एक बहुत ही धूमधाम से फंक्शन में, एक सेरेमनी में दोनों की शादी हुई, प्रिंस एंड सिंड्रेला की. द प्रिंस एंड प्रिंस सिंड्रेला लिव्ड हैप्पीली इवर आफ्टर. उसके बाद जो है प्रिंस और सिंड्रेला पूरा जिंदगी खुशी खुशी रह रहा था. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू हैव रीड द स्टोरी. नाउ इट इज टाइम टू सॉल्व द एक्सरसाइज. बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज, प्लीज रीड द चैप्टर केयरफुली एंड देन solve the exercise. After completion of the exercise, submit the notebook in the school. Thank you.